क्या ये सोच समझ के सरकार ने तय किया था कि 86% पैसा जो बाजार के अंदर है हिंदुस्तान के, वो अधिकांश नकली पैसा है? पूरी दुनिया में एक संदेश गया कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी केवल काले धन पर टिकी हुई है, केवल अपराधी, काला बाजारी और नकली नोट रखने वाले हिंदुस्तान की इकोनॉमी को चलाती है। आपने देश के सब लोगों को अपराधी बना दिया, कम से कम उनको बताते कि फलां तारीख से हम बंद करने जा रहे हैं। कौन सा आतंकवादी वही भरकर रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक के पास जाता कि मेरा काउंटरफिट मनी बदल दो? आपने कैसा कर दिया? आपने तो कह दिया कैशलेस इकोनॉमी। कौन सी कैशलेस इकोनॉमी है दुनिया के अंदर? बड़ा अच्छा, फिर तो अमेरिका के सेंट्रल बैंक को डॉलर नहीं छापना चाहिए। अगर दुनिया के अंदर सिर्फ कैशलेस इकोनॉमी होती, आप रोज रात करना चाहते हैं जो दुनिया में बड़े देश आज तक नहीं कर पाए। कौन सा अधिकार प्रधानमंत्री और आपका है कि बैंक में जमा खातों पे पैसा निकालने पर आप पाबंदी लगाएं? यह अधिकार किस कानून ने आपको दिया? किस संविधान ने आपको यह कानून दिया? ये कैसा देश आप बना रहे हैं कि पैसा हमारा हो, पैसा हमारा हो और आपसे भीख मांगे कि हमको अपने अकाउंट से अपना पैसा निकालने दो? आपने आर्थिक अराजकता भारतवर्ष में लाई है। आपने हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, जो नकदी भुगतान पे चलती थी, आपने उसकी भीड़ की हड्डी तोड़ी है। आने वाला वक्त आपको बताएगा। आपके पास सूचना है स्विस बैंक में किसकी किसका पैसा है, सूची आपके पास है। लाइकेनस्टाइन की सूची आपके पास है। 83 देशों के साथ हमारे सब समय में भी समझौता था, तो बताएं देश को कि किसका कौन कौन उस सूची में है, नाम बताएं देश को। आज प्रधानमंत्री, हमारी मांग है उस सूची में सब लोगों को नामजद करो, तो पता लगे उसमें से कितने आपको माला पहनाने वाले हैं। ज्यादा बहुमत उन्हीं का निकलेगा, उनके नाम क्यों नहीं बताते? अब 2.5 साल हो गए, आज की तारीख पूरे 2.5 साल मध्यावधि सरकार की आपके चुनाव जीतने की हो गई। 16 नवंबर है आज, अब सारी बात बदल दी। आप काला धन बाहर से वापस क्यों नहीं लाए? आप सवाल नहीं कर सकते, कौन है आप सवाल करने में? काला धन से लड़ने चले हो उपसभापति महोदय, 500 रुपए का नोट और 1000 का नोट रद्द कर दो और 2000 का नोट ले आए जो रंग छोड़ रहा है, जो बचपन में हमको मिलता था चूरण के गुड़िया के अंदर, वैसे रंग का एक 2000 का नोट ले आया जो कोई चाहता नहीं है। अब 2000 का नोट लेके गरीब आदमी कहाँ जाए, किसके पास उसका भुगतान करे? सब्जी वाले के पास जाएगा, क्या छूटा नहीं है? ढाबे में जाएगा, छूटा नहीं है? उन्होंने क्या कहा गोवा में? उन्होंने कहा, भाइयों बहनों, मैंने तमाम उन लोगों को, आज कौन लोग कतार में खड़े हैं? वो लोग कतार में खड़े हैं जो दो जी के घोटाले में थे, जो कोयले के घोटाले में थे, जो काले धन के व्यापार करते हैं, जो काले धन के प्रतिनिधि हैं। मैं निंदा करता हूं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की कि आपने हिंदुस्तान का गरीब आदमी जो 5 दिन से 6 दिन से कतार में खड़ा है 2000 रुपए निकालने के लिए, 4000 रुपए बदलाने के लिए, आपने उसको अपराधी कहा, कालाबाजारी कहा, स्कैमर कहा। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे मार देंगे। उन्होंने अपनी छाती वाती भी पीटी, उन्होंने कहा मैंने सब कुछ त्याग दिया। ऐसा त्याग तपस्वी सब लोग कर ले, ऐसे वायदे दिखाए, ऐसे सपने दिखाए, प्रधानमंत्री बन जाओ, पूरी दुनिया घूमो, दिन में 5 बार पोशाक बदलो और फिर कहो सब त्याग तपस्या हो गई। अब आप बताओ प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, कि प्रधानमंत्री ये क्या सूचना सरकार के पास है? कौन सी साजिश है? कौन से संगठन है? कौन से लोग हैं
जो भारत के प्रधानमंत्री की हत्या करना चाहे। प्रधानमंत्री जो गाजीपुर में गए थे, आपने कहा गाजीपुर में, इनका मैं जरूर पहुंचूंगा, वो गाजीपुर की रैली का क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुआ था, चेक से पेमेंट हुआ था, किसने पेमेंट करी? खुद वहां पे दहाड़ रहे हैं खड़े होकर। कर्नाटक में आपके एक नेता की बच्ची की शादी हो रही है, वहां पे क्या तूफान हो रहा है? 500 करोड़ रुपया शादी में इस्तेमाल हो रहा है, सारे इनके नेता वहां पे जा रहे हैं, और काले धन के खिलाफ गिरफ्तार करो ना उसको। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में क्या है? उस रिपोर्ट में है कि मार्च महीने से स्टेट बैंक को पता था कि ये 500 और 1000 के नोट वापस हो गए। अगर मार्च महीने से पता था तो अब स्टेट बैंक क्यों कह रहा है कि अभी रिकैलिब्रेट करने में और 3 हफ्ते 4 हफ्ते लगेंगे? क्यों तैयारी क्यों नहीं की थी?